Yes, hello students. Now we are going to start the new chapter, electrochemistry. Electrochemistry. It is the branch of science or branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो सकती है या वाइस वर्सा हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन जनरेट द केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं. इफ़ वी हैव केमिकल एनर्जी तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी. मीन्स दोनों में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा. इसलिए इसे क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा जाता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और अब इसमें ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, हम ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी डिवाइस ऐसा कर सकते हैं कि बस केमिकल एनर्जी रख लिया हमने कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में, और अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. या आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अब कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक डिवाइस को यूज़ करना ही होगा आपको. वो डिवाइस में क्या होगा, आप दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं. उस डिवाइस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगा और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा. या फिर आप वाइस वर्सा रिवर्स कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं. ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन है उसका मीनिंग. ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कैपेबल टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. ठीक है, क्लियर, ये होता है इसमें. तो इसमें रिएक्शन
इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें सिंपल एग्जांपल अगर देखना चाहें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो आप 1.5 वोल्ट का जो बैटरी होता है, ठीक है, जो घर में आप यूज़ करते हैं, सिंगल सेल होता है, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हैं, जो रिमोट में यूज़ होता है या टॉयज़ में यूज़ होता है, ठीक है, वो 1.5 वोल्ट लिखा होगा उस पर, कभी ध्यान से देखिएगा 1.5 वोल्ट, तो वो बैटरी है, यानी कि वो क्या है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप रिमोट को रन करने में, या आप वॉचेज़ को, या आप टॉयज़ को, उनको उनके फंक्शन के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इसका एग्जांपल आपको जनरली नहीं मिलेगा यहाँ पर, वो आपको इसका इंडस्ट्रीज़ में देखना पड़ेगा, जो मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज़ होती है, मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी मेटलर्जी, आयरन जैसे हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं हम, ठीक, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनमें मटेरियल होता है, उनसे वो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक, तो वो एग्जांपल वहाँ मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये इसका एग्जांपल, और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका एग्जांपल ड्राई सेल, उन्हें ड्राई सेल कहा जाता है, ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है, बैटरीज़ लिख सकते हैं, ड्राई बैटरीज, ठीक है, बैटरीज लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है, ड्राई बैटरी या ड्राई सेल कह सकते हैं, ठीक, या आप इसे गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टेक सेल भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है, तो ये सेल होती है, जो ड्राई सेल नाम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ भी मॉइस्चर, मतलब वो लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, ये लिक्विड नहीं होता, कभी उसे आप ब्रेक करके देखेंगे, आप उस 1.5 वोल्ट की बैटरी को, सेल को ब्रेक करेंगे, तो उसमें कोई भी लिक्विड नहीं होगा, उसमें सब सॉलिड होंगे, ठीक है, कॉपर, जिंक या पेस्ट होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड वगैरह होता है उसमें, वो पढ़ेंगे हम, ड्राई सेल भी हमें स्टडी करना है, ये सब स्टडी करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी स्टडी करना है, ये तो पूरा चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, उसमें ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कम, तो ये मैंने तो सिर्फ एक सिंपल एग्जाम्पल लिखे हैं, ये दो जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो लिखे हैं, वैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और भी यूज़ हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन के भी और यूज़ हो सकते हैं, ठीक, अभी तो हम सबसे सिंपलेस्ट लिख रहे हैं जो मोर कॉमन है, ठीक, चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मोस्ट प्रोबेबली या जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोबेबली और जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में से मेनली डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी कैटेगरी क्या है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, या इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेइक, ठीक है, वोल्टेइक सेल, ठीक, ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, यानी डिवाइस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक या वोल्टेइक, कभी कभी क्या करते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक को इलेक्ट्रोकेमिकल भी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इसके लिए तो एक ही वर्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक ही लिखना पड़ेगा हर बार, लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स में क्या करते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिख देते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि इसका ये मेन एग्जांपल है, ये अलग प्रोसेस होता है,
ठीक, वैसे ये इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्लासिफिकेशन में आता है इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक। ठीक, चलिए अब ये इनको अलग अलग लिखा है तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या किस टाइप के सेल होते हैं या कैसा डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, आप बाहर से सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में या बीकर में केमिकल रिएक्शन जनरेट होगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, और यहाँ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होता है, और यहाँ क्या करते हैं इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, अब ऑब्वियसली जब ये लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, क्यों, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, मीन्स यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको मीनिंग पता है, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, टेक्स मतलब इट्स सेल्फ, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इट्स सेल्फ, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट, विदाउट असिस्टेंट्स, एक्सटर्नल असिस्टेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यहाँ रिएक्शन अपने आप होता है, अपने आप होता है, आप बस उन्हें कॉन्टैक्ट में रखिए, रिएक्टेंट्स को या रिएजेंट्स को कॉन्टैक्ट में रखना है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रिएजेंट रखो कुछ भी रखिए वो रिएक्शन नहीं होने वाला है अनटिल और अनलेस वी सप्लाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब स्पॉन्टेनियस है, इट मीन्स इसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस के डेल्टा जी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के डेल्टा जी क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है डेल्टा जी की, और यहाँ पर डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये तो हुआ रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट, ठीक, कि रिएक्शन किस में स्पॉन्टेनियस होगा, किस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एनोड या कैथोड किस टाइप के होते हैं, कौन नेगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, एनोड, अगर मैं एनोड की बात करता हूँ तो एनोड,
एनोड एक ऐसा प्लेस होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. एनोड इज द एरिया और इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज, ठीक है. और एनोड हो गया, अब दूसरा क्या होगा, कैथोड. कैथोड वेयर द रिडक्शन, टेक्स प्लेस. मीन्स रिडक्शन इज द एरिया और इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज. मीन्स इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है. मतलब एनोड या कैथोड का सेल से कोई रिलेशन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ सेल. एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस द एरिया द प्लेस द पॉइंट द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड, या वाइस वर्सा होगा. और ये ऑलवेज होता है, मतलब इसमें इफ या बट या कोई कंडीशनल नहीं होता है. कैथोड उसी को कैथोड लिखा जाएगा वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस, या वाइस वर्सा, अगर कैथोड लिखा है इट मीन्स वहाँ पर रिडक्शन ही होगा, ठीक है. और वैसे वर्ड पहले नहीं लिखे होते हैं कि हम इलेक्ट्रोड को पहले से डिसाइड कर देंगे इट इज़ एनोड इट इज़ कैथोड, नहीं 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 हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. मीन्स द इफ़ द रिडक्शन टेक्स प्लेस इट इज़ नोन एज द एरिया द इलेक्ट्रोड इज़ नोन एज कैथोड, और जहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसीड कर रहा है उसे कहते हैं एनोड. तो नाम पहले से नहीं लिखे होते हैं, नाम तो हम बाद में प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. और ये मैंने कहा ना, इंडिपेंडेंट टू द टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए ये सेम रहता है. अब ये किस में नेगेटिव होगा या किस में पॉजिटिव होगा, वो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम से समझ लेते हैं कि किसका पार्ट कौन सा नेगेटिव होता है. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जनरली क्या होता है, वन कंटेनर होता है, इट कंटेन वन चैम्बर, ठीक है, जनरली इट कंटेन वन चैम्बर, ठीक है, या वन कंपार्टमेंट, ठीक, ये एक कंपार्टमेंट होगा, सिंगल कंपार्टमेंट, ठीक. और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो मस्ट है. अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट, ये हम पढ़ चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये इलेक्ट्रोलाइट है विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोलाइट है. एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl molten, ठीक है, molten NaCl का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, या कोई और ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है. अब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं हम, इस इलेक्ट्रोलाइट में हम दो इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक. इलेक्ट्रोड अभी तो हम डिस्कस करेंगे किससे टाइप के गैस के इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, लेकिन अभी वो इतना वाइडली डिस्कशन नहीं है. तो सिंपल हमने मान लिया कि ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड्स, मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं. अब इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करना है, इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से. ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं और इसे वायर के थ्रू बैटरी से और इसे भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी, ठीक है. तो बैटरी को छोड़ दें तो हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाएगा, ठीक है. बैटरी को नहीं मानते हैं कि बैटरी, एक्सेप्ट बैटरी, इस बैटरी को छोड़ दो, मैं बी लिख देता हूँ, ये बैटरी है, ठीक है. तो एक्सेप्ट बी, जो भी एपरेटस है, इलेक्ट्रोलाइट, ये कंटेनर, ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक, ये क्या है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाएगा, ठीक है. बैटरी इसका पार्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पार्ट नहीं है, वो एक्सटर्नल सोर्स है,
ठीक। अब ये बैटरी का आप ऑब्वियसली आप देखे होंगे कि स्मॉल पार्ट बनाया, इसका मतलब है कौन सा पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये वाला बैटरी का कौन सा होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। इट मीन्स जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसे कहते हैं कैथोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज नोन एज कैथोड, और जो दूसरा ऑब्वियसली जो पॉजिटिव से अटैच है वो क्या होगा, एनोड, एनोड, और ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक डिवाइस हमने शो किया है, और इसमें एक्सेप्ट बैटरी, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट बैटरी जो भी एपरेटस है इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। बैटरी से हम करंट सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे तभी इसमें रिएक्शन होगा, विदाउट करंट अगर हम इसमें डेड बैटरी अटैच कर देंगे, डेड बैटरी या बैटरी से करंट ही सप्लाई नहीं करेंगे, देयर विल नो रिएक्शन, सिर्फ बैटरी को कॉन्टैक्ट में रखने से रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मोल्टन NaCl मोल्टन है, जैसा है NaCl है इट रिमेंस NaCl, ऐसा नहीं होगा कि कंटेनर में NaCl रखा है और बैटरी को आपने उसे दूर से दिखा दिया, ठीक है, सीधा बैटरी और इलेक्ट्रो NaCl रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। या सिर्फ बैटरी कनेक्ट कर दिया है और डेड बैटरी है और आप सोच रहे हैं कि NaCl को क्या पता चलेगा कि बैटरी इज़ डेड, नहीं नहीं उसे पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। Until or unless you supplied the electrical energy, जब तक आप करंट सप्लाई नहीं करेंगे थ्रू द बैटरी, तब तक आप NaCl का कोई भी रिएक्शन नहीं करा सकते, यानी NaCl remains NaCl, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। अब उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या रिएक्शन होगा, वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे, तब हम उस, अभी तो हम सिर्फ मेन मेन डिफ्रेंसेज लिख रहे हैं इनके क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलिए, यहाँ गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में जर्नली दो कंपार्टमेंट होते हैं, मैं कह रहा हूँ जर्नली दो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। मैं इसे सिक्स पॉइंट लिख देता हूँ, बैटरी स्ट्रक्चर सिक्स, ठीक है। तो जर्नली दो कंपार्टमेंट, वैसे एक कंपार्टमेंट भी हो सकता है, इट मे हैव वन कंपार्टमेंट, बट जर्नल केसेस में दो कंपार्टमेंट होते हैं, देयर आर टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक। अब इन दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक। और ये सेम इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट होता तो हमें दो कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वी कैन यूज़ वन कंपार्टमेंट, ठीक है। तो जनरल केसेस में दो कंपार्टमेंट इसलिए होते हैं बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में डिसॉल्व करके हमने, और ये हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं किसका, ये इस एपरेटस को, इस गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल को डैनियल सेल कहा जाता है, इट इज़ नोन एज डैनियल सेल, ठीक है। इस एपरेटस को या दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल इन विच वन इलेक्ट्रोलाइट इज ZnSO4 अदर वन इज CuSO4 एंड द इलेक्ट्रोड इज ऑफ जिंक मेटल, इलेक्ट्रोड इज ऑफ जिंक Zn मेटल, Zn सॉलिड, ठीक है, या Zn मेटल कह सकते हैं, एंड अदर वन सेकेंड वन इलेक्ट्रोड इज ऑफ कॉपर मेटल,
कॉपर सॉलिड, कॉपर मेटल, सेकंड इलेक्ट्रोड इज मेटल. तो दिस टाइप ऑफ एपरेटस, दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक स्पेसिफिक, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर, तो जब आप जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे और जिंक डिप्ड इन ZnSO4, कॉपर डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, देन इट एपरेटस या दिस एपरेटस, दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल इज नोन एज डैनियल सेल. इसे डैनियल सेल कहा जाता है, ठीक है, इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को. अब हम इसे क्या करते हैं, इसे वोल्टामीटर से या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं टू नोट द करंट, कि उसमें करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कितना करंट जनरेट होगा. उसके लिए इसमें वोल्टामीटर या इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है. और इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है, ठीक, सॉल्ट ब्रिज, ये एक इन्वर्टेड ट्यूब होती है, इट कंटेन सॉल्ट, और ये ब्रिज की तरह सेट करता है देयरफॉर. और यहाँ कॉटन प्लग होता है, इसमें कॉटन प्लग, ये सॉल्ट है एंड इट इज़ नोन एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है. और ये पोरस प्लग होते हैं, ये कॉटन के बने होते हैं या और भी कॉटन डिप्ड इन सम मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल होता है, पोरस प्लग कहा जाता है, पोरस प्लग, ठीक. मतलब इनसे मटेरियल क्या हो सकता है, अंदर एंटर कर सकता है थ्रू, फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ये क्या हो सकता है, सॉल्ट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक, पोरस प्लग के थ्रू. इसलिए पोरस प्लग रखे. अगर हम पोरस प्लग नहीं यूज़ करेंगे तो ऑल द, क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, पहले ही गिर जाएगा नीचे. जबकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, सो दैट द वर्किंग ऑफ द वोल्टेइक सेल डजंट स्टॉप, ठीक, वर्किंग उसका बंद ना हो जाए, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट, वो पढ़ेंगे हम. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है वो हम स्टडी करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, ठीक, वो हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसे कनेक्ट कर देते हैं जिससे मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो कर दूंगा यहाँ पर. ठीक है, तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले लिख देते हैं. ये जो ZN है ये एनोड की तरह से एक्ट करता है, एनोड, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज. जबकि कॉपर क्या होता है, कॉपर एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड की तरह से एक्ट करता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. हम चाहें तो इसे थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं, इसे थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, सो दैट वायर और इलेक्ट्रोड में डिस्टिंग्विश हो जाए कि कौन सा वायर है और कौन सा इलेक्ट्रोड है. ठीक, तो एनोड क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. जबकि आप इसमें देखेंगे कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, या इसके लिए शॉर्ट टर्म क्या होती है वो लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. ठीक, चलिए नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट लिखते हैं. इसमें हमने क्या लिखा, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. जबकि इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखते हैं हम एल ओ ए एन, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जैसा होना चाहिए. L रिप्रेजेंट द लेफ्ट, O रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन,
एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ए स्टैंड फॉर एनोड एंड एन स्टैंड्स फॉर निगेटिव। इसका क्या मीनिंग हुआ? एल ओ एन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि इस सेल में या किसी भी गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी प्रेजेंट होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मैंने कहा ना ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आप इसे दूसरी साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, या सेल को उल्टा करके लिख दिया जाए। उल्टा करके बना दिया है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉपर इधर जाएगा। अब कॉपर इधर आने का मतलब ये नहीं है कि वो कॉपर अब एनोड बन जाएगा और अब उस पर रिडक्शन के प्लेस पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा, जब भी हम इस, मतलब ऐसा समझिए कि ये IUPAC नोमनक्लेचर का रूल है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नोमनक्लेचर रूल होते हैं, ऐसे ही इस सेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी IUPAC रूल्स होते हैं। तो IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड, या मैं कह सकता हूँ IUPAC रूल, IUPAC रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें लेफ्ट वाले को एनोड ही लिखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये कॉपर होता तो मैं कॉपर ही यहाँ पर लिखता। ठीक है, मतलब मुझे लेफ्ट साइड में एनोड ड्रॉ करना है और राइट साइड में कैथोड ड्रॉ करना होता है। ठीक, क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में तो उल्टा भी दे सकते हैं, वो तो कैसे भी दें, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम स्टैंडर्ड या IUPAC के अकॉर्डिंग ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लिखा होता लेफ्ट, और यहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि एनोड है और एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी लेफ्ट हैंड वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। अब ऑब्वियसली अगर ये लेफ्ट हैंड वाला नेगेटिवली चार्ज है तो राइट हैंड वाले पर क्या होगा, राइट हैंड वाले पर राइट हैंड, और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो क्या होगा, कैथोड होगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, RRCP वैसे इसे यार लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड वाला एक टाइप का इलेक्ट्रोड है तो राइट हैंड वाला ऑब्वियसली उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, राइट हैंड साइड। और अब यहाँ ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब अगर ये एनोड हो चुका है, एनोड है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कैथोड होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। ठीक है, मतलब कौन कैथोड क्या होता है, वोल्टेक सेल में क्या होता है। ठीक, उसे लर्न करने के लिए ही हमने लिखा है, और ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। वैसे सेल पर डिपेंड करता है कि सेल को हमने कैसे, मतलब क्वेश्चन में किस तरह से ड्रॉ किया गया है, या उसमें क्या डिटेल या इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये स्टैंडर्ड है, हम जब ड्रॉ करते हैं तो अगर रिवर्स ड्रॉ कर दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, अब उसमें लेफ्ट वगैरह ये वर्ड चेंज हो सकते हैं, लेफ्ट वर्ड चेंज हो सकता है, राइट चेंज हो सकता है, इस पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव ये चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव ये रिमेन सेम, और जहाँ ऑक्सीडेशन है वही एनोड है और वही नेगेटिव होगा, ये फिक्स्ड है, इज इंडिपेंडेंट टू द साइड, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट होगा तो अभी ठीक है, और ये राइट में है तब भी ये वही रहेगा, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव ये फिक्स्ड है। रिडक्शन मीन्स कैथोड मीन्स पॉजिटिव, ये फिक्स्ड है। राइट में होगा तो ठीक है, स्टैंडर्ड है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है, तब भी वो ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड स्केल के अकॉर्डिंग बताया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत ईजी है, किसमें, इलेक्ट्रो मतलब वोल्टेक सेल में, वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल में। इसमें क्या होगा, एनोड पर एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टर्मिनल टू कैथोड टर्मिनल थ्रू द